हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करनी है, इसका नेट असेट वैल्यू देखो। सबसे पहले 69 रुपीज़ का, 69 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 16.87% के सीएजीआर के हिसाब से, यानी कि 16.5% के आसपास का रिटर्न एक साल में, 26.5% यानी कि क्लोज टू 27% का सीएजीआर तीन साल में, और पाँच साल में देखिए 18.30% का सीएजीआर, मैक्सिमम देखिए 17.23% का सीएजीआर, यानी कि मिड कैप कैटेगरी से ज़्यादा सुरक्षित है और लार्ज कैप कैटेगरी से एक अच्छा रिटर्न दिया है। किस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कौन से फंड की बात कर रहा हूँ, अभी आगे चल के आपको वन बाय वन करके सारा डिटेल पता चल जाएगा। इससे पहले बात करूंगा कि कई सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के अंदर डर जाते हैं जब वो गिरना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये भी जस्ट लाइक शेयर की तरह ही काम करता है। पर जी हाँ, फ्लक्चुएशन आपको शेयर मार्केट से कम देखने को मिलती है, पर जी हाँ आपको यहाँ भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, पर ये वॉलेटिलिटी के साथ आपको यूज टू रहना पड़ेगा मेरे भाई। ये देखिए कितना म्यूचुअल फंड फ्लक्चुएट होता है, देखिए हर रोज फ्लक्चुएट होता है, 31 से एनएवी देखो 30, 32, 29, 31, देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये फेज आपके साथ भी आएगा, तो कृपया इन सभी चीज़ों के साथ आपको यूज टू होना पड़ेगा। अब मैंने आपके सामने जो कैटेगरी रखी है वो लार्ज कैप कैटेगरी रखी है, पर ये कैटेगरी लार्ज कैप है, ये फंड आपको दूसरे नाम से मिलेगा और वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 out of 5 रेट किया है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन फंड मैनेजर्स हैं ये। 3 महीने में बात करेंगे 5.22% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में देखिए 17.32% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने दिया है, एक साल में देखिए 16.87% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया है। इसके साथ साथ 3 साल में देखिए 1 लाख रुपये को 1,04,000 रुपये बना दिया है, 5 साल में देखिए 1 लाख रुपये को 1,31,000 रुपये बना दिया, जिसमें से 1 लाख आपकी कैपिटल हो गई और 1,31,000 आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि 131% का रिटर्न है, ठीक है। 10 साल में देखिए 1 लाख रुपये को 5,20,000 रुपये इन्होंने बना दिया है, 10 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 5 गुना कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया ही रहता है, पर जिस फंड की बात कर रहा था उसका नाम है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके अंदर जो मैक्सिमम शेयर्स देखने को मिलेंगे वो लार्ज कैप कैटेगरी से रहेंगे, इसी वजह से ये फंड मिड कैप कैटेगरी से ज़्यादा सुरक्षित है और जो रिटर्न आया है वो लार्ज कैप कैटेगरी से अच्छा रिटर्न आया है। हालांकि इसका जो असेट साइज है बहुत छोटा सा है, 394 करोड़ का, 0.76% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 9.72% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब अगर यहाँ से मैं बात करने की चेष्टा करूँ कि किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो देखिए आप एनर्जी, मटेरियल, हेल्थ केयर, कैश होल्ड करके चल रहे हैं, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल, सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग, बहुत छोटा सा सेक्टर्स का इन्होंने दायरा लिया है और काफ़ी सारे और घुस के उन सेक्टर्स के अंदर घुस के बहुत बेहतरीन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से ये इतना अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे पा रहे हैं। तो शुरुआत ही रिलायंस इंडस्ट्रीज से कर लेते हैं, किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने पैसा डाला हुआ है वो डाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये रिलायंस के शेयर होंगे इनके पास, उसी से जब रिलायंस के अंदर डीमर्ज कर दी गई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो उसी के कुछ शेयर्स मिले होंगे, तो जहां पर इनका पैसा पड़ा हुआ है डीएलएफ लिमिटेड, अरविंदो फार्मा, बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हैं, सन फार्मास्यूटिकल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अडानी पावर, एसीसी लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बॉश लिमिटेड, अडानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइज, जिंदल स्टील, एनटीपीसी, अंबुजा सीमेंट, गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये कुछ थोड़े से छुटपुट से शेयर्स में इन्होंने स्टेक डाल के रखा हुआ है। सभी के सभी शेयर्स बहुत ही बेहतरीन रिटर्न डिलीवर करके दे पा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, यही रीज़न है कि इसका जो रिटर्न आया है वो लार्ज कैप कैटेगरी से कई गुना अच्छा आया है। क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात कर रहा था, 33,021 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 63 स्कीम के साथ ही आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम, और आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि हर रोज़ मैं 8:30 बजे बल्कि मैं कमेंट उठाता हूँ और उनके आंसर देने की चेष्टा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।